ओम नमो शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो पे बताएंगे भगवान शिव भोले को काली मिर्च चढ़ाने का कितना अधिक महत्व क्यों है। भगवान शिव पर काली मिर्च चढ़ाने से क्या क्या फल मिलता है। भगवान शिव भोले काली मिर्च चढ़ाने से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, इसीलिए शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ को काली मिर्च चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सबसे पहले तो काली मिर्च भगवान जी को अर्पण करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु आपके जीवन से दूर चले जाते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का अंत हो जाता है, घर में हो रहे ग्रह क्लेशों का अंत होता है। भगवान शिव की असीम कृपा जातक को प्राप्त होती है। काली मिर्च चढ़ाने से भगवान शिव भोले बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है। काली मिर्च भगवान शिव को चढ़ाना बहुत ही शुभ कारक माना गया है। तो किसी भी सोमवार के दिन आप 5, 7, 21 काली मिर्च भगवान शिव को जरूर अर्पण करें। काली मिर्च चढ़ाते समय आप ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए काली मिर्च चढ़ाएं। जितनी भी आपको काली मिर्च चढ़ानी है उतनी ही बार ओम नमो शिवाय या महान मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जिससे भगवान शिव जी की पूरी कृपा प्राप्त होगी, शत्रु आपके जीवन से दूर चले जाएंगे, घर में शांति हो जाएगी, ग्रह क्लेश खत्म होते हैं, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। शिव भोले पर काली मिर्च चढ़ाने का इतना अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप शिव की शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करते हैं, अगर उसमें भी काली मिर्च पीस कर मिला दी जाए तो इतना अधिक शुभ फल होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार मित्रों, भगवान शिव भोले को काली मिर्च सोमवार के दिन चढ़ाना बहुत ही फलदायक होता है। आप जितनी मात्रा में भी काली मिर्च 5, 7, 21 चढ़ाते हैं उतनी ही बार ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें और मन ही मन जो भी आपकी इच्छा है वो भगवान जी को बोलें, वह शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार मित्रों, काली मिर्च चढ़ाने का इतना अधिक महत्व है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। ओम नमो शिवाय दोस्तों।